हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी फिजिक्स के न्यूमेरिकल, और हमने लिया हुआ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 2.15 हमने लिया है। ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास स्मॉल एम टू द रेस्ट मास एम नाट। ये क्वेश्चन में ही दिया है कि एम नाट हमारा रेस्ट मास है और स्मॉल एम मूविंग मास है। ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड, वी हमारे स्पीड है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ सी दिया हुआ है। द रिलेशन फर्स्ट एरोज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्पेशल रिलेटिविटी ड्यू टू एल्बर्ट आइंस्टीन। ए बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट वेयर टू पुट द कॉन्स्टेंट सी। ही राइट्स एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर टू द पावर 1/2, फुल स्टॉप यहाँ है। गैस वेयर टू पुट द मिसिंग सी, गैस करो कि सी को कहाँ पुट किया जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, गिवेन फार्मूला एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जिनकी यूनिट सेम होती है उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक करेंगे, ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम यूनिट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ सब्ट्रैक हुआ है, वन में से वी स्क्वायर हुआ है, लेकिन इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है। वन का कोई एक डिजिट है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं, और वी स्क्वायर का एक यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों या ऐड या सब्ट्रैक नहीं होना चाहिए। तो फार्मूले में ये चूंकि दोनों ऐड या सब्ट्रैक हैं, इसका मतलब जो यूनिट वन की होनी चाहिए वही इसकी हमें बनानी पड़ेगी जो है। तो जो हमारा मिसिंग वाला सी है वो अगर हम इसके नीचे लगा दें बच्चों, तो यहाँ देखो सी स्पीड ऑफ लाइट है, वी स्पीड है, वी भी स्पीड है, तो दोनों स्पीड से स्पीड कट के यूनिट लेस हो जाएंगे, वन भी यूनिट लेस है और दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, यूनिट ऑफ वन नॉट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वी स्क्वायर, ठीक। ऐड या सब्ट्रैक होने के लिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन वन का जो यूनिट है वो वी स्क्वायर का यूनिट नहीं है, ठीक। वन इज यूनिटलेस, वन इज यूनिटलेस, देयरफोर वी कैन राइट राइट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऑन द प्लेस ऑफ वी स्क्वायर, ऑन द प्लेस ऑफ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, ठीक। जो हमारा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ये भी यूनिट लेस होगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज यूनिट लेस, दोनों की यूनिट क्या होगी, स्पीड होगी, ठीक। वी कैन राइट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऑन द प्लेस ऑफ वी स्क्वायर बिकॉज वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज यूनिटलेस, ठीक। वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या है बच्चों, यूनिटलेस है। तो जिनकी यूनिट सेम होगी वही ऐड या सब्ट्रैक होंगे, तो हमें वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना होगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, देन फार्मूला विल बी, देन फार्मूला विल बी, तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू
एम नॉट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर वन बाय टू। ओके, दिस फार्मूला इज एल्बर्ट आइंस्टीन्स फार्मूला फॉर रिलेटिविटी। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। ओके, गुड डे स्टूडेंट।